चोर के घर में चोरी, ये कहावत आपने सुनी जरूर होगी, लेकिन हम आपको इसका उदाहरण देने जा रहे हैं। दरअसल जिस चीन से दुनिया भर को खतरा है, जिस चीन पर दुनिया भर में अपने जासूसों को भेजने का आरोप लगा है, जिस चीन को बाइडेन पूरी दुनिया के सामने नाम लेकर चेता रहे थे, वही चीन अपने देश के आसमान में देखे गए एक संदिग्ध वस्तु से परेशान हो गया है। ऐसा तब हुआ जब हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन को उसकी हद याद दिलाई थी और नाम लेकर चीनी राष्ट्रपति की तरफ अपने गुस्से का इजहार किया था। As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. Look, let's be clear. Winning the competition should unite all of us. We face serious challenges across the world. But in the past 2 years, democracies have become stronger, not weaker. Autocracies have grown weaker, not stronger. Name me a world leader who changed places with Xi Jinping. Name me one. Name me one. जानकारी के मुताबिक चीन के किंगदाओ इलाके में आसमान में एक संदिग्ध वस्तु देखी गई थी। उस अज्ञात वस्तु की वजह से चीनी अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। अभी तक ये साफ नहीं कि वो वस्तु है क्या, लेकिन चीन की तरफ से उसे गिराने का आदेश दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय मछुआरों की तरफ से जानकारी दी गई थी कि आसमान में कुछ संदिग्ध उड़ता देखा गया है। उसके बाद से ही प्रशासन एक्शन में आया और अब इसे गिराने की तैयारी जोरों पर है। अब चीन में यह अज्ञात वस्तु उस समय देखी गई जब कुछ दिन पहले ही कनाडा के एयर स्पेस में एक संदिग्ध वस्तु को अमेरिकी वायुसेना ने मार गिराया था। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री ने फोन पर बात की थी, उसके बाद ही ये बड़ा फैसला लिया गया। इससे पहले अमेरिका ने भी चीन के एक जासूसी गुब्बारे को मार गिराया था, उस गुब्बारे को लेकर भी काफी विवाद हुआ। उसी कड़ी में अब जब चीन में ये संदिग्ध चीज देखी गई, तो कई तरीके के सवाल खड़े हो गए। अब तक चीन की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन लगातार आसमान में दिख रही अज्ञात वस्तुएं सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।